मोदी जी जब कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो लंदन में जाकर बोलते हैं हाय हाय दैया, ये क्या हो रहा है, हमारे पास करप्शन नहीं हो पा रही, हमारा PFI बंद कर दिया, अब हम क्या करें, डिमोनेटाइजेशन बंद कर दिया, हमारा लोकतंत्र खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, लोकतंत्र खत्म है तो लंदन में ऐसे ही गए क्या? हाँ, लेकिन एक बात ये है भाई साहब, पहले का लोकतंत्र ये था कि पद्म अवार्ड खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, भाई साहब ये क्या लोकतंत्र हुआ करता था? देखिए, हाँ। अनुजा जी ने खूब गूगल किया है, दिख रहा है वो 1970 में पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस आजकल गूगल नहीं कर पा रही है क्या? सुन लीजिए, जो सरकारी पिट्ठू यदि कोई वचन बोल देते हैं उसको लेकर के आप लोग पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, आपको ये तो कम से कम पूछना चाहिए। अरे 15 दिन से सिर्फ राहुल गांधी पर डिबेट हो रही थी भाई साहब, राहुल गांधी 7 दिन बोले और उसी पर बात हो रही थी, आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर डिबेट कर गजब करते हैं, आप लोग आरोप ही लगाते रहेंगे, बताइए। पूछना चाहिए कि 9 साल इस सरकार को हो गए, कब तक कांग्रेस के कंधों की सवारी है सरकार करती? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पद्म जैसे सम्मान में भी भ्रष्टाचार चल रहा था? देखिए, एक सरकारी पिट्ठू एजेंसी यदि अपना मुंह खोल देती है तो ये बताइए, FATF सरकारी पिट्ठू एजेंसी हो गई? ये हिंदुस्तानी एजेंसी है क्या? एक सेकंड, हिंदुस्तानी एजेंसी है? अरे भाटी साहब, तमाम एजेंसियां जो मुझे बताइए, FATF भारतीय एजेंसी है क्या? थोड़ा सुनिए तो सही, आप सुनने का थोड़ा सा जज्बा तो दिखाइए। जो भी एजेंसियां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ आज की तारीख में हिंदुस्तान की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर। भाई साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट है FATF की, उससे पूरी दुनिया में उसे रिसर्च के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो ये बदनाम हिंदुस्तान को कौन कर रहा है? विदिन, आज मैं कहना चाहती हूँ कि भाई साहब के हिसाब से तो FATF के ग्रे लिस्ट में मोदी जी ने डलवाया है पाकिस्तान को, वो बोल रहे हैं ना कि भारतीय एजेंसी, जबकि सबको पता है। तो भाई साहब ये एक बात है, ये पकड़ लिया इन्होंने खट से, देख रहे हैं कितनी तेजी से पकड़ रही है। तो देखिए, वही बात है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता होते हैं वैसे ही कार्यकर्ता होते हैं, तो ये एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया। राहुल गांधी जी को खुद को ज्ञान नहीं है, विदेश की धरती पे जाकर देश के लोकतंत्र पे आघात करते, प्रहार करते, देश की न्यायपालिका हो, सेना हो, मीडिया हो, संसद हो, सब पे जाकर प्रहार करते। आपको नहीं लगता कि एक निर्वाचित सांसद ने दायरे 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 पार किए हैं और उन पर राजद्रोह और देशद्रोह जैसे आरोप नहीं लगने चाहिए? आपको नहीं लगता एक निर्वाचित सांसद, अच्छा आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जाकर